हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा रेडमी नोट 13 5G फ़ोन के सेटिंग्स पे जाकर आप कैसे अपने रेडमी फ़ोन में गूगल डायलर को रिमूव कैसे कर सकते हैं और कैसे गूगल डायलर को रिप्लेस कर सकते हैं रेडमी फ़ोन में, तो आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आइकन से देख सकते हैं शो हो रहे हैं, तो स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन, सेटिंग्स पे जाना है, क्लिक करते ही फ़ोन सेटिंग्स से ओपन हो जाएगा। तो गूगल डायलर को कैसे आप रिमूव कर सकते हैं, इसके लिए बस आपको ऐप सेटिंग्स पे जाना है। फिर जैसे आप ऐप सेटिंग्स पे जाते हैं तो ऐसे आपको डायलर को रिमूव करना है, रिप्लेस करना है, तो आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ऐप सेटिंग्स नहीं आ रहा आपके फ़ोन में और आप उसको रिप्लेस करना चाहेंगे तो यहाँ पर आपको नहीं जाना है, सिंपली देख सकते हैं कि अगर आपने एक से ज़्यादा डायलर आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से डायलर को डाउनलोड कर सकते हैं और जैसे डायलर है तो इसको आप रिमूव कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट करना चाहें तो चेंज भी आप कर सकते हैं अपने फ़ोन से। तो इस तरीके से डायलर को रिमूव एंड रिप्लेस कर पाएंगे रेडमी नोट 13 5G फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं।